नाउ सी, एक तो होते हैं नॉर्मल लैपटॉप जो कि हम डेली यूज करते हैं, उसी के साथ ही आपने एक टर्म जरूर सुनी होगी, इंटेल ईवो। ये ईवो जो वर्ड है ना वो बहुत ही बढ़िया टर्म है जिसे आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। देखो, जो भी लैपटॉप आपको ईवो की सर्टिफिकेशन के साथ मिलेगा ना, उस लैपटॉप के अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स पक्का मिलते हैं। चाहे आपको ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप आपको 60,000 के बजट के अंदर मिल रहा है, चाहे आप उस लैपटॉप को 1,00,000 के बजट के अंदर बाय कर रहे हो, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ये हर एक ईवो सर्टिफिकेशन वाले लैपटॉप के अंदर पक्का मिलेंगी। लाइक बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा होता है नॉर्मल लैपटॉप के कंपैरिजन में, मान के चलो डबल बैटरी बैकअप इन सभी ईवो सर्टिफिकेशन लैपटॉप्स के अंदर होता है। 8 से 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप तो आपको इजीली मिलेगा नॉर्मल यूजेज पे। टाइप सी फास्ट चार्जिंग, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, वाईफाई 6E, फिंगरप्रिंट सेंसर, बूटिंग टाइम स्लीप से सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ऑन हो जाते हैं लैपटॉप्स, FHD कैमरा, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। 30 मिनट चार्ज करने पे 4 घंटे तक आपका लैपटॉप चल जाएगा। इन शॉर्ट ये जो लैपटॉप होते हैं ये प्रीमियम सीरीज के लैपटॉप होते हैं। देखो, अगर हम प्रीमियम सीरीज का लैपटॉप बाय करेंगे तो ऑब्वियसली उसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन अभी इस टाइम पे बहुत ही बढ़िया चीज चल रही है कि अमेज़न पे सेल है तो प्राइसेस कम हुए पड़े हैं। अगर आपने लैपटॉप बाय करना है, इट्स दी बेस्ट टाइम टू बाय अ लैपटॉप। शुरू करते हैं अपनी वीडियो के सबसे पहले लैपटॉप से, Asus HeroBook S15 लैपटॉप इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन के साथ। इसका जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है दैट इज अराउंड 58,000 रुपीज, बट डिस्काउंट मिल जाएगा 3,000 रुपए का, तो इसका जो फाइनल प्राइस है दैट इज अराउंड 55,000 रुपीज। देखो, लैपटॉप के अंदर आपको मेटल की बॉडी, 180 डिग्री की हिंज, बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, टाइप सी चार्जिंग, ये सारे एडिशनल फीचर्स तो मिलते हैं। इसी के साथ ईवो सर्टिफिकेशन वाले सारे फीचर्स हो गए। 14 इंच की QHD IPS डिस्प्ले, 2560x1440 पिक्सल, 300 nits की ब्राइटनेस एंड 100% sRGB। देखो, QHD डिस्प्ले मिल रही है ना आपको लैपटॉप के अंदर, तो इसके साथ जो आपका डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है ना वो एकदम ही नेक्स्ट लेवल रहेगा। काफी ब्राइट डिस्प्ले होती है, कलर्स वगैरह बहुत ही एक्यूरेट होते हैं इसके। डिस्प्ले के सिनेरियो में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इंटेल कोर i5 प्रोसेसर है 12500H। देखो, 12500H जो प्रोसेसर है ना वो आपको 70 से 80,000 वाले कई लैपटॉप के अंदर सेम प्रोसेसर मिलेगा अलॉन्ग विद ग्राफिक कार्ड, बट ये प्रोसेसर आपको कम से कम 62-63,000 के बजट के अंदर मिलेगा नॉर्मल डेज के अंदर। इस टाइम पे लैपटॉप आपको मिल रहा है 55,000 के बजट के अंदर। टोटली वैल्यू फॉर मनी डील है आपके लिए। 8GB की रैम विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB, DDR4 RAM है 3200 MHz वाली, 512GB की Gen 4 SSD है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा आपको लैपटॉप के। तो ये लैपटॉप आपने जरूर कंसिडर करना अगर आपका बजट 55,000 रुपीज है। गो फॉर इट, बेस्ट पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज Acer Swift 3 प्रीमियम लैपटॉप, 61,000 रुपीज लैपटॉप का नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। डिस्काउंट इसके ऊपर हमें मिल जाएगा 3500 रुपीज का, फाइनल प्राइस होगा 57,500 रुपीज। टोटली वर्थ इट लैपटॉप है इस प्राइस पॉइंट पे। मेटल की बॉडी, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलिट कीबोर्ड के साथ ही 14 इंच की QHD IPS डिस्प्ले, 2560x1440 पिक्सल्स के साथ में, 300 nits की ब्राइटनेस, 100% sRGB। इंटेल कोर i5 प्रोसेसर है 1240p, इंटेल ईवो कोर, 8GB की रैम, 512GB की SSD, इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स, MS ऑफिस 2021 आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। तो ये भी लैपटॉप आपने जरूर कंसिडर करना है। नेक्स्ट इज Asus HeroBook S15 OLED लैपटॉप, 70,000 रुपए लैपटॉप का नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। डिस्काउंट मिल जाएगा 2500 रुपीज का, फाइनल प्राइस होगा 67,500 रुपीज। देखो, लैपटॉप के अंदर आपको बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, 180 डिग्री के हिंच के साथ ही 15.6 इंच की FHD OLED डिस्प्ले मिल जाती है, 600 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ में। देखो, इसके अंदर भी आपको जो प्रोसेसर दिया गया वो बिल्कुल ही सेम है जैसा कि Asus HeroBook S15 लैपटॉप के अंदर था जो सबसे पहले मैंने आपको बताया, i5 का 12500H प्रोसेसर। काफी बढ़िया प्रोसेसर है, लेकिन इन दोनों के प्राइस में एक्चुअली काफी फर्क है। वो लैपटॉप आपको 55,000 के प्राइस पॉइंट पे मिल रहा था, इसका प्राइस 67,500 रुपीज है। उसके कुछ रीजंस हैं, एक तो इसके अंदर आपको OLED डिस्प्ले दे रखी है उसकी वजह से इसका प्राइस बढ़ जाता है, एंड सेकंड थिंग इसके अंदर आपको डबल रैम मिल रही है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाला लैपटॉप। इसके अंदर आपको 16GB की रैम मिल जाती है, DDR4 RAM है 3200 MHz वाली विच इज एक्सपेंडेबल, 512GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स, MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। तो अगर आपने 67,000 के आसपास लैपटॉप बाय करना है, ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट डील है। गो फॉर इट, ईवो सर्टिफिकेशन वाले सारे फीचर्स आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं MSI के लैपटॉप की, MSI प्रेस्टीज 14 लैपटॉप, 82,200 रुपीज इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, बट डिस्काउंट हमें इसके ऊपर काफी ज्यादा बढ़िया मिल रहा है, 9700 रुपीज ऑफ हमें इस लैपटॉप के ऊपर मिल जाते हैं। इसका जो फाइनल प्राइस है दैट इज अराउंड 72,500 रुपीज। मेटल की बॉडी, बैकलिट कीबोर्ड, 14 इंच की डिस्प्ले, FHD+, 60 Hz का रिफ्रेश रेट, 100% sRGB, 400 nits की ब्राइटनेस, i5 का 1240p प्रोसेसर है, 16GB की रैम, LPDDR5 रैम है। देखो, अभी तक के जितने भी हमने इस वीडियो के अंदर लैपटॉप देखे ना, उन सभी के अंदर आपको DDR4 रैम मिल रही थी, बट इसकी रैम लेटेस्ट है, LPDDR5 रैम है। इसकी रीड एंड राइट की स्पीड भी ज्यादा बेटर है क्योंकि इसके अंदर आपको Gen 4 SSD मिल जाती है। आफ्टर दैट इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स, काफी बढ़िया डील रहेगी आपके लिए क्योंकि रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें आपको लेटेस्ट मिल रही है इस लैपटॉप में। अगला लैपटॉप फिर से Asus का आ गया, Asus HeroBook S15 OLED लैपटॉप, 84,000 रुपीज लैपटॉप का नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, बट ड्यूरिंग सेल 7,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, फाइनल प्राइस हो गया 77,000 रुपीज। मेटल की बॉडी, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, 180 डिग्री की हिंज, बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, प्राइवेसी शटर कैमरा, ये सारे हो गए इसके एडिशनल फीचर्स। उसके बाद इसके अंदर भी हमें 15.6 इंच की 2.8K रेजोल्यूशन के साथ में OLED डिस्प्ले मिल जाती है, ग्लॉसी डिस्प्ले की, 100% DCI-P3, 120 Hz का रिफ्रेश रेट है, 600 nits की पीक ब्राइटनेस। अब इसके अंदर भी आपको ईवो कोर प्रोसेसर मिल जाता है, बट इसके अंदर हमें लेटेस्ट 13th जनरेशन का प्रोसेसर दिया गया 13500H। देखो, ये जो प्रोसेसर है ना वो इस बजट का वन ऑफ द मोस्ट
पावरफुल प्रोसेसर है। 77,000 के बजट के अंदर अगर आपको 13500 प्रोसेसर मिल रहा गो फॉर इट। 16GB की LPDDR5 रैम है विच इज लेटेस्ट रैम, 4800 MHz वाली जेन 4 SSD मिल जाती है 512GB की विच इज एक्सपेंडेबल आयरिस ग्राफिक्स MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। तो ये भी लैपटॉप काफी प्रैक्टिकल लैपटॉप है, गो फॉर इट। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला लैपटॉप है डेल का, डेल इंस्पिरॉन 5330 इंटेल ईवो कोर सर्टिफिकेशन के साथ में। 84,500 रुपीज इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 7900 रुपीज का, फाइनल प्राइस होगा 76,600 रुपीज। बैकलेट कीबोर्ड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ही इसके अंदर आपको 13.3 इंच की 2K डिस्प्ले मिल जाती है 300 nits की ब्राइटनेस वाली। i5 का प्रोसेसर है 1340p लेटेस्ट 13 जनरेशन वाला, 16GB की रैम, 512GB की SSD, आयरिस ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। नाउ दिस इज असूस योबुक S15 OLED लैपटॉप। 109,000 रुपए लैपटॉप का नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, बट डिस्काउंट हमें मिल रहा है 15,500 रुपए का, तो फाइनल प्राइस हो जाता है 93,500 रुपीज। मेटल की बॉडी, बैकलेट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, उसके बाद 15.6 इंच की फुल साइज डिस्प्ले 2.8K रेजोल्यूशन के साथ में OLED डिस्प्ले है इसकी। 120Hz का रिफ्रेश रेट है, 100% DCI-P3, 600 nits की पीक ब्राइटनेस। i9 का प्रोसेसर है 13900H, 16GB की रैम, LPDDR5, 6400 MHz वाली, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रैम है। साथ में आपको 1TB की SSD मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल आयरिस ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। तो ये तो बात हुई ईवो सर्टिफिकेशन वाले लैपटॉप्स की। देखो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम 55,000 रुपीज 93,000 रुपीज तक के लैपटॉप बता दिए हैं। आपका जो भी बजट है आप इनमें से लैपटॉप को चूज कर लो। सभी के एडिशनल फीचर्स एकदम बढ़िया है, सभी के डिस्प्ले, प्रोसेसर, रैम एंड स्टोरेज सब कुछ आपको एकदम ही लेटेस्ट मिल रहा है। सभी के बेस्ट स्पेलिंग्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड इन केस अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड आपकी जो भी क्वेरी है प्लीज उसे भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगे तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। पीस आउट।